हम लोग अभी होटल में आए थे, मतलब इतने थक चुके थे कि सीधा आके टांगा पलटी हो गया। सुपर सका यूट्यूबर्स, मी हेमंत फ्रॉम ची मुंबई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुल्तर हेमंत। की ऑलमोस्ट बजे है 12, क्योंकि आराम से निकल रहे, नज़दीक ही है। आज का दिन थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे या फिर देखते हैं कैसा है क्या है, वो वीडियो में पता चल जाएगा आपको। गाइज, अपना ये फोर्थ एपिसोड है। जो भी नए हो चैनल पे तो बोल दूँ कि हम लोग गोवा सीरीज़ कर रहे हैं, मानसून में गोवा राइड कर रहे हैं मैं और प्रतीक के साथ में। आज का प्लान है साउथ गोवा जाने का, बेसिकली वो यहाँ से समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर्स है। और अपनी हम सफ़र भी रेडी है फुल लगेज के साथ, चालू करना है गाड़ी और निकलना है। सो वेलकम बैक टू द रोड गाइज, अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम मार्थर। जैसे मैंने कहा कि 34 किलोमीटर्स है बोरदा यहाँ से, तो आराम से जाएंगे। और टाइम हो रहा है 12, क्योंकि थोड़ा बारिश ज़्यादा था यहाँ पे पीछे साइड, और प्रतीक का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो थोड़ी देर आराम किया हम लोग ने और अभी निकल पड़े हैं। बस बाकी कुछ नहीं, ये हरियाली है यहाँ पे फिलहाल, तो अभी बारिश नहीं हो रही है क्योंकि क्लाउड्स तो दिख रहे हैं यहाँ पे, देखते। सो फार सो गुड, राइड अच्छा हो रहा है, अपनी हम सफ़र भी एकदम मस्त चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो। कि हम लोग ने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चला होगा गाड़ी को, क्योंकि कल का जो वीडियो था उसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 6 से 7, जैसे आपने देखा ही होगा, पांच प्लेसेस हम लोग ने कवर किए उस पर। तो वो पांच प्लेसेस आजू बाजू में ही थे, तो अगर आपको आना है तो नॉर्थ गोवा आना, वहाँ पे ये सब प्लेस मिलेंगे। मार्थर में रहना, मार्थर में रहोगे तो आपको इजी पड़ेगा। और आने से पहले एक बार चेक करना कि होटल्स चालू है कि नहीं चालू है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ होटल्स चालू है, कुछ कुछ होटल बंद है। वो रीज़न तो पता है, COVID-19 की वजह से। तो अभी पुंडा होके हम लोग जाएंगे आज, जो बोरदा करके जगह है वहाँ पे आज का स्टे है अपना। ये बार प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हमारा एक सब्सक्राइबर है वहाँ पे जो बोरदा में रहता है, जो मड़गांव में रहता है बेसिकली, तो उसको ऑलरेडी हम लोग ने बोल दिया था कि भाई होटल देखे रखो, तो कैसा बाद में ढूंढने को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग अभी डायरेक्ट होटल जाएंगे, डायरेक्ट चेक इन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए ना बॉस, हम लोग को 1.5-2 घंटे लगे होटल ढूंढने के लिए। तो आज हम लोग के साथ सुजय भी है, कल हम लोग को जिसने नॉर्थ गोवा घुमाया, सुजय और केन तो आ नहीं पाया, उसको कुछ काम था, पर सुजय आया है, बोला चलो आज मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, साउथ गोवा घूमते हैं अपन। तो उसको भी थोड़े बहुत प्लेसेस पता है साउथ गोवा के, मैंने वीडियो में बताया था कि उसका नाम सूरज है, उसका नाम सूरज नहीं, उसका नाम सुजय है, हम लोग ने उसको सूरज कर दिया। एक छोटा सा अपडेट, यहाँ पे आपको गोवा में मोस्टली जो कि सिटी साइड नहीं, सिटी साइड मतलब वेल डेवलप एरिया होता है, जैसे कलंगुट बागा ये साइड होगा, वो आपको वहाँ पे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे, तो उनका भी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है। और अगर आप जैसे मार्थोस जैसे जगह में जाओगे, वैसे सब जगह पे भी ओपन है, वो कैसे 8 बजे तक उन लोग का टाइमिंग है, उसके बाद 8 बजे के बाद उन लोग को बंद करना पड़ता है ड्यू टू COVID-19 सिचुएशंस, लॉकडाउन की वजह से, जो कि गवर्नमेंट यहाँ के जो CMG है उन्होंने जो रूल्स बनाए उनके हिसाब से चलना पड़ता है यहाँ पे। और वैसे तो मतलब ऑलमोस्ट खुला है गोवा अभी, मतलब आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस किया है यहाँ पे गोवा में कि सुपारी के झाड़ मतलब बहुत सारे मतलब हर एक जगह पर दिखते हैं मेरे को। मैं कहीं भी कल भी बहुत जगह गया था ना, बहुत से जगह पे मेरे को दिखे ये। तो ऑलमोस्ट हम लोग 20 किलोमीटर्स कवर किए, मोर 14 किलोमीटर्स टू गो, और काफ़ी मस्त वेदर हो गया अभी। मैंने एक्चुअली वहाँ पे बारिश आ रही थी तो मैंने रेन लाइनर डाल दिया, तो अभी बारिश ही नहीं आ रही है, बोलो
क्या करे यार। आगे जाके चार रास्ता आएगा तो उधर हम लोग मैप लगाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए साउथ गोवा में मड़गांव। आपको बोला मैंने 14 किलोमीटर्स था पीछे साइड। अभी देखते मैप लगाएंगे और देखेंगे किस तरफ से जाना है और कितना टाइम लगेगा। मे बी हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे पहुंचने के लिए। तो अभी लोकेशन डाल दिया है तो यहाँ से लेफ्ट मारना है अपने को। लेफ्ट मार के मे बी 100 मीटर्स के बाद फिर से राइट लेना है, लेट्स सी। तो आपको पता ही होगा कि साउथ गोवा मोस्टली बोट्स के लिए फेमस है, तो यहाँ से अपने को अभी राइट मारना है। देखेंगे आज हमको घूमने का मौका मिला तो घूमेंगे, शाम तक कुछ मिलता है घूमने के लिए तो घूमेंगे, क्योंकि प्रतीक का थोड़ा तबीयत ख़राब है और प्लस सुजय भाई भी आए हम लोग के साथ, तो दो तीन स्पॉट तो घूमेंगे। लेट्स सी, डिपेंड करता है उनकी तबीयत के ऊपर। तो अभी पाँच या छः मिनट में होटल में पहुंच जाएंगे। साहिल भी आया जो कि अपना सब्सक्राइबर है, वो उसने होटल बुक किया था एडवांस में, तो चलते होटल पे मिलते हैं अभी। तो हम लोग एक फॉर्म भर रहे हैं। प्रतीक वडलांचं नाव काय? वडलांचं नाव काय? प्रकाश। हम लोग अभी होटल में आए थे, मतलब इतने थक चुके थे कि सीधा आके टांगा पलटी हो गई और जरूरत थी एक दिन रेस्ट की, जरूरत थी। हम लोग कैसे कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं ना, हर एक दिन मतलब राइड कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, लेट सो रहे हैं, फिर सुबह जल्दी उठ रहे हैं। तो आज का दिन हम लोग ने रेस्ट किया है। अभी बजे है 9:30 और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो देखते आगे क्या क्या मिलता है डिनर के लिए। फिलहाल तो हम लोग के होटल में इन हाउस रेस्टोरेंट है, पर दोपहर को खा लिया था वहाँ पे। तो अभी दूसरे इधर कुछ ट्राई करते, राइट ट्राई करते, दूसरी जगह ट्राई करना भी ज़रूरी है। हर एक जगह गोवा में आए तो फिर लेना ज़रूरी है बस। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी आए कुछ मोमोज और फ्राइड राइस खाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से फ्राइड राइस और मोमो खाया नहीं था, तो देखते अभी खाते और आपको फिर बताते टेस्ट कैसा है उसका। यहाँ पे एक फूड ट्रक है, ये फूड ट्रक से हम लोग ने ऑर्डर किया है। मोमोज यहाँ पे खाएंगे और फ्राइड राइस होटल में जाके खाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग का टाइम हो गया बंद होने का। इसके पार्सल लेके अभी घर पे आए और अभी डिनर करेंगे और फिर एडिटिंग को बैठेंगे। ये वीडियो आएगा और पता चल जाएगा आपको, पर 9 बजे मॉर्निंग में स्टोरी डालूंगा इंस्टाग्राम पे। तो फॉलो नहीं किया तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, फॉलो करो। और इसी के साथ अभी एंड करते हैं वीडियो। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। और एक वीडियो भी आएगा जो कि गोवा के ऊपर होगा, वो पता चल जाएगा आपको। ओके, सो टिल देन डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। बूम प्रतीक, बूम।